बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कि इस टाइम मेरे पास जो मोटर बाइक अवेलेबल है, जो सामने नज़र आ रहा है, चाइना 70 का मोटर बाइक है और होंडा सिटी 70 है। चाइना 70 की सेटिंग काफ़ी सारी मिलती जुलती है और एक सेम ही होती है और न्यू मॉडल में थोड़ा बहुत फ़र्क है, डिफरेंट है। लेकिन इसका हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि चैन बार बार ढीला क्यों हो जाता है, उनकी क्या रीज़न क्या है, वजह क्या है, किस लिए ये बार बार ढीला होता है। काफ़ी सारे दोस्तों की कॉल्स, काफ़ी दोस्तों के मैसेज ये मौसूल हुए हैं और उन्होंने यही हमें कहा है कि सर, हमें वीडियो के अंदर ये चीज़ कैंडली लाजमी बताएं कि ये चैन बार बार ढीला क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो यही चीज़ आप सब दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है और देखनी है कि चैन बार बार क्यों ढीला होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और इसको चेक करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं और एडजस्टमेंट का तरीकाकार और चैन क्यों को बार बार ढीला होता है, यही चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, ये मोटर बाइक है, 70 मोटर बाइक है और 125 मोटर बाइक हो, कोई भी मोटर बाइक हो, सेटिंग एक ही होती है, रीज़न एक ही होता है। लेकिन अब इस टाइम मैं ये पहले पैदान खोल लूँगा, जो पैदान जाली लगी हुई है, ताकि समझाने में आसानी हो जाए और हर चीज़ क्लियर नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, ये हमने पैदान जाली जो है ये मैंने उतार ली है, इसीलिए उतार ली है कि आप सब दोस्तों को समझ सही तरीके से आ जाए, हर चीज़ क्लियर नज़र आए। ज़रूरी नहीं होता है जिस टाइम चैन एडजस्ट करते हैं इसको खोलना, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप दोस्तों के लिए खोला है। अच्छा, तो ये जो रीज़न इसका ये होता है कि बार बार चैन क्यों ढीला हो जाता है, कोई भी मोटर बाइक है, मीन्स के चाइना की मोटर बाइक है, होंडा सिटी 70 है, CG125 है, ड्रीम है, 100 है, कोई भी बाइक है, तो उसका बार बार चैन लूज़ होने की वजह ये होती है, या तो ये ग्राड़ी स्लीप, जो व्हील स्लीप जिसको हम ग्राड़ी गोठ बोलते हैं, अगर वो यहाँ से लूज़ हो, इसकी चूड़ी मजबूत ना हो, तो जब हम गियर लगा के मोटर बाइक चलाते हैं तो इसको झटका सही मिलता है तो ये एडजस्टिंग अपनी छोड़ देता है, आगे की तरफ चला जाता है, चैन ढीला हो जाता है, अलाइनमेंट आउट हो जाती है। वन रीज़न ये है। नंबर टू रीज़न क्या है कि चैन स्प्रॉकेट सेट अगर कमज़ोर है, मीन्स के उसका ख़त्म होने वाला है, कमज़ोर है, उसकी वजह से बार बार चैन ढीला हो जाता है। वो उसकी वजह क्यों होती है, क्यों बार बार ढीला होता है, इस वजह से क्योंकि एक तो चैन जो है वो लिंक होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम मोटर बाइक को गियर लगा के क्लच छोड़ते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं, तो लिंक को झटका मिलता है। वो कैसे, मैं ये चैन कवर उतार के आप सब दोस्तों को ज़रा डिटेल से हर चीज़ समझा दूँ तो बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसे तो बातें होती रहेंगी, फॉल्ट भी शेयर करते रहेंगे, साथ प्रैक्टिकल ना हो जब तक मज़ा नहीं आता। चैन कवर हमने खोल लिया है और इस टाइम देखें दोस्तों कि मोटर बाइक का चैन ऑलरेडी ढीला हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्ले है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस टाइम चैन स्प्रॉकेट सेट कमज़ोर होता है, उसकी बार बार जब चैन ढीली होती है तो उसके लिंक होते हैं, ये जैसे कि ये लिंक हैं, इनको खींच पड़ती है, जब हम क्लच छोड़ते हैं तो झटका मिलता है, तो इसकी वजह से ये खुल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, लूज़ होने की वजह से चैन ढीला हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद टाइट करते हैं, अगर रीज़न इसका है तो, अगर रीज़न इसका नहीं है, इसका रीज़न है तो हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, मीन्स कि हम इसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि ये चैन सेट का मसला है, नहीं है वो। अगर उसका रीज़न नहीं है, अगर रीज़न इसका व्हील स्लीव का है, तो फिर तो ये व्हील स्लीव को हम चेंज करना चाहिए। अच्छा, नंबर दो हो चुके हैं, नंबर थ्री पे चैन बार बार लूज़ क्यों होता है। अगर ये एडजस्टर, जिसको चैन चिड़ी भी बोलते हैं, चैन एडजस्टर भी बोलते हैं, अगर तो इनके अंदर लूजिंग है, ये नट लूज़ होने लूज़ हो गए हैं, उसकी वजह से जिस टाइम हम क्लच छोड़ेंगे, गियर लगा के चलाएंगे, जिस टाइम रन करेंगे तो झटका खाएगा, तो ये नट लूज़ हो जाते हैं, चैन आगे की तरफ चला जाता है, चैन बार बार ढीला होना स्टार्ट हो जाता है। ये तीन रीज़न है। चौथा मेन रीज़न ये है, अगर चिमटे की अलाइनमेंट आउट है, चिमटा सही नहीं है, अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से भी चैन लूज़ हो जाता है। जो मेन चीज़ है चेक करने वाली वो होती है व्हील स्लीव एंड चैन एडजस्टर। जब ये दोनों चीज़ें ओके हो गई हैं, उसके बाद चैन ढीला हो रहा है, इसका मतलब है चैन सेट कमज़ोर है, जिसकी वजह से चैन बार बार ढीला हो रहा है। अगर चैन सेट भी ठीक है, बज़ाहिर ठीक है, उसकी वो भी वजह नहीं है, फिर चिमटे के अंदर है, अलाइनमेंट आउट हो जाती है, क्योंकि अनबैलेंस होता है जब हम इसको चलाते हैं, उसकी वजह से पीछे से इस तरह महसूस होता है जिस तरह शॉक का फॉल्ट होता है। शॉक का कैसे फॉल्ट होता है, जैसे खड्डे जंप ब्रेकर से गुजरेगी मोटर बाइक, ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे से मोटर बाइक निकलने लगी है, पंचर हो गई है, बिल्कुल बबलिंग स्टार्ट कर देती है। तो जब शॉक भी ठीक है, चैन स्प्रॉकेट भी ठीक है, व्हील स्लीप भी ठीक है और इसके चैन एडजस्टर भी ठीक हैं, तो इसका मतलब है कि चिमटे के अंदर फॉल्ट है, जो कि हमें चिमटा चेंज करवा लेना चाहिए। अगर हम चिमटा नहीं चेंज करेंगे तो साथ साथ शॉक्स भी फारिग हो जाएंगे। अगर शॉक ठीक हैं,
बाकी मामला ओके है, बबलिंग फिर भी आती है, तो इसका मतलब है चिमटे के अंदर इशू है जिसकी वजह से बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो काइंडली यही चीज़ें होती हैं चेक करने वाली, समझाने का तरीकाकार यही था जो समझाया। अब हम इसकी चैन को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने का तरीकाकार क्या है वो भी आप सब दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले हमने एक्सल का नट ये लूज़ करना है। अच्छा, एक्सल का नट मैंने बाज़ मैकेनिक देखे हैं और काफ़ी हद तक मैकेनिकों को देखा है, व्हील स्लीव खोलेंगे, चैन को थोड़ा टाइट करेंगे, व्हील स्लीव टाइट करेंगे साइड पे, ये जी चैन एडजस्ट हो गया। ऐसे तो नहीं होता ना। अब यहाँ से थोड़ा सा आप जहन से देखें कि अगर इस तरह से हम टाइट करेंगे व्हील अंदर की तरफ आएगा तो ये व्हील बाहर की तरफ जाएगा, तो इसका बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से शॉक को नुकसान है, उसकी वजह से चिमटा को नुकसान है, उसी की वजह से गराड़ी सेट को नुकसान है, चैन सेट को नुकसान है, क्योंकि वो बैलेंस बराबर नहीं है। जब तक हमने इसका बैलेंस नहीं करना तब तक हम इसको मुकम्मल टाइट नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सल हमने लूज़ कर लिया है, नंबर टू पर हम इसका व्हील स्लीव का नट लूज़ करेंगे, मुकम्मल नहीं खोलेंगे जस्ट लूज़ करेंगे। ये देखें, ये भी लूज़ है और ये भी लूज़ है। अब दोनों साइडों से हमने एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, सबसे पहले हमने चैन की एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट करनी है। ऊपर वाले नट को मैं खोल रहा हूँ, इसको ढीला नहीं कर रहा, फिर मैं अंदर वाले नट को टाइट करूँगा ताकि चैन एडजस्ट हो जाए। अब देखें कि यहाँ पे ये नट अंदर वाला स्लिप है, इसीलिए बाहर वाला लगाया गया है। अब हम बाहर वाले को ही टाइट करते हैं, अंदर वाला खुद ब खुद टाइट होता जाएगा। ये देखें दोस्तों, अंदर वाला नट खुद ब खुद टाइट हो रहा है, क्योंकि अंदर से उसकी जो एडजस्टमेंट है, वो जो चूड़ी है वो अंदर वाले नट से स्लिप है। जैसे वो बाहर वाले ऊपर वाले नट को टाइट करेंगे, अंदर वाला ऑटोमेटिक ही टाइट होता जाएगा। अब हमने इतनी हद तक टाइट करना है ताकि ये चैन के अंदर 20-40 की प्ले आ जाए। व्हील को मूव करेंगे, कोई जंप नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ओके है, हल्की हल्की यहाँ पे प्ले इसकी छोड़ देंगे। अब हम करेंगे दूसरी साइड से टाइट, क्योंकि हमने इस साइड से टाइट किया तो व्हील अंदर की तरफ आ गया, इधर से व्हील बाहर की तरफ चला गया। जी तो दोस्तों, अब हम यहाँ से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, इतनी एक एडजस्टमेंट करेंगे कि फ्रंट से हमें देखना है, यहाँ से इस जगह से ये पट्टी लगी हुई है और इधर से चैन कवर है, इसके बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। जब फ्रंट से बिल्कुल सेंटर में आएगा, दरमियान में आएगा, तो यहाँ से भी दरमियान में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि मोटर गार्ड के अंदर फॉल्ट है, जो कि बैलेंस से अनबैलेंस हो रहा है। क्या नाम से यहाँ से थोड़ा सा और मज़ीद टाइट करना है कि इसका बैलेंस जो है वो बिल्कुल बराबर अभी नहीं आया। अब अगर गौर से देखा जाए तो आगे से बिल्कुल ही बराबर है, दोनों साइडों से, दोनों जगह से बैलेंस जो है वो गैप बिल्कुल बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हमारे जो व्हील की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बेस्ट हो गई है। अब हम दोबारा चेक करेंगे चैन को कि चैन ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया। जी तो दोस्तों, हल्का सा चैन टाइट हो गया है। अब हम इसको हल्का सा लूज़ करेंगे, लूज़ करेंगे और यहाँ पर हल्की सी पंच करेंगे ताकि ये नट बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाए। अब यहाँ पर प्ले देखें, जहाँ पर प्ले छोड़ी थी वहीं पर प्ले है। व्हील को मूव करते हुए चेक करेंगे कि इसके अंदर जंप तो नहीं है किसी जगह। अच्छा, बाज़ ये भी होता है जब हम चैन आप अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम चैन बाज़ जगह पे ऊपर हो जाता है, बाज़ जगह पे नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो चैन स्प्रॉकेट सेट की अलाइनमेंट आउट है इस स्प्रॉकेट की, या चैन के अंदर फॉल्ट है जो कि जंप ले रहा है। तो ये नहीं होनी चाहिए चीज़। अगर ये चीज़ होगी तो एक ऐसी जगह पर भी ये धोखा दे सकता है जहाँ पर नुकसान क्या होता है, चैन कवर फारिक, मैग्नेट केस फारिक, और मैग्नेट प्लेट का वो जहाँ पे पल्सर कोयल लगी होती है वो जगह भी टूट जाती है। तो इसका मतलब है नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे पहले पहले आप इसके अंदर चैन स्प्रॉकेट सेट तब्दील करवा लें तो वो बेस्ट रहता है। अगर जंप उसके अंदर 2-3 जगह पे जंप आ जाए तो कोशिश करें कि चैन स्प्रॉकेट सेट उसका तब्दील कर देंगे। जो तब्दील करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर जंप आ जाए तो चैन आप इसका चेंज करवा लें, चैन स्प्रॉकेट सेट मुकम्मल, तो उसमें आपकी ही बेहतरी है। अब हम व्हील स्लीव को टाइट करेंगे, यहाँ पर व्हील स्लीव मुकम्मल टाइट हो गया। अब हमने क्या करना है कि व्हील को मूव करना है और दूसरी साइड से ब्रेक को प्रेस करना है। प्रेस करके उसके बाद हमने व्हील को टाइट करना है। उसकी ये वजह ये होती है, जिस टाइम हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो लेदर का मुंह खुल जाता है। जब हम एक्सल टाइट करते हैं, मुकम्मल टाइट करके जब छोड़ते हैं तो लेदर अपनी जगह पर, स्प्रिंग उनको अपनी जगह पर ले आता है, तो व्हील जो है वो बिल्कुल ही स्लीव के अंदर आज़ाद हो जाता है। मीन के स्लीव लेदर के अंदर आज़ाद हो जाता है। तो हमने ऐसे ही करना है, व्हील को मूव करना है और ब्रेक प्रेस करते हुए हमने इसका एक्सल टाइट कर देना है। ये भी टाइट हो गया। अब हमने क्या करना है,
अब हमने क्या करना है कि इसकी जो एडजस्टर के नट्स हैं वो हम इसके चेक करेंगे। ऑलरेडी टाइट होते हैं लेकिन मज़ीद टाइट कर देते हैं ताकि वो वाइब्रेशन के साथ लूज़ ना हो जाए। चैन की अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। अब हमने नीचे वाला उस तरह चैन को फिट कर देना और मेन पैदान फिट कर देना है। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट कर लिया हमने। इसकी चैन की एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई है और किन किन रीज़न की वजह से चैन बार बार ढीला होता है वही सब कुछ आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया है। और मैं लास्ट में यही आप सब दोस्तों को कहता हूं कि जो मेरी गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।